स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर किन पार्टिकल्स से बना है, उन पार्टिकल्स में बॉन्डिंग क्या है, वो किस तरह से अरेंज है, और उस मैटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि मैटर क्या है। मैटर है जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका अपना मास हो, वो मैटर है। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, विजिबल है, इनविजिबल है, लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन किया हमने फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीजन मेनली डिपेंड्स है पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा है। अगर मैटर के पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, उसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उस मैटर को कहा जाएगा सॉलिड। जहां वॉल्यूम डेफिनेट हो लेकिन शेप डेफिनेट ना हो, लिक्विड कहलाएगा। अब यहां वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स है, वो एक दूसरे से फ्री नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टिकल मूव कर सकते हैं इसलिए उनका शेप फिक्स नहीं है। गैस के बीच में फोर्स नेग्लेजिबल है, न के बराबर है, तो एक दूसरे से पार्टिकल फ्री है, मूव कर सकते हैं, इसलिए यहां न तो शेप डेफिनेट है न ही वॉल्यूम डेफिनेट। डिफरेंस आता बिटवीन गैस एंड वेपर, ये दो टर्म है जिनको हम कॉमनली एक तरह से यूज करते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वेपर होती है उस सब्सटेंस की लिक्विड गैसीय स्टेट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। जैसे वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वाटर को हम हीट करेंगे तो उसकी जो गैसीय स्टेट आएगी वो वेपर कहलाएगी, लेकिन गैस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। ये हमने डिफरेंस किया बिटवीन वेपर एंड गैस। ये कंप्लीट है अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली मैटर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। जैसा नेम सजेस्ट करता है, प्योर सब्सटेंस उसे कहेंगे जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो। तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। पार्टिकल क्या हो सकते हैं, पार्टिकल एटम हो सकते हैं, पार्टिकल मोलिक्यूल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता कि एटम मोलिक्यूल क्या है। एटम एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमने क्लासिफाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, तो पहली सेल में वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हमें पता है कि पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट सेल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी तरफ हमने लिया हीलियम, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल है फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, तो हीलियम का फ्री एग्जिस्टेंस है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एटम है, तो एटम के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, उनका एग्जिस्टेंस फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, जिसका एग्जिस्टेंस फ्री हो। जैसे अगर अपने पास ये H2 होता तो H2 के पास होते दो इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल फुल्ली फिल्ड हो जाती, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का फ्री एग्जिस्टेंस है, तो H2 मॉलिक्यूल है। इस हिसाब से हीलियम का एग्जिस्टेंस फ्री है तो वो भी मॉलिक्यूल है।
तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि मोलेक्यूल के अंदर सिंगल एटम भी हो सकता है, एक सिंगल एटम भी मोलेक्यूल हो सकता है अगर उसका फ्री एग्जिस्टेंस हो। तो जितनी भी नोबल गैसेज हैं उन सभी के मोलिक्यूल एक एटम से बने हैं, वो मोनो एटोमिक मोलिक्यूल कहलाते हैं। हाइड्रोजन का मोलिक्यूल दो एटम से बना है, डाई एटोमिक मोलिक्यूल है। और जिस मोलिक्यूल के अंदर एटम एक जैसे हो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एक ही तरह के एटम से बने हैं, तो वो मोलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम से बने हैं उनको मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। और जो मोलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हों वो कंपाउंड के मोलिक्यूल कहलाते हैं। तो वाटर कंपाउंड का मोलिक्यूल है। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस में, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर केमिकली कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास है 2, O का मास है 16, तो मास की रेशियो हमेशा 1:8 रहेगी। एटम की रेशियो वाटर के अंदर हमेशा 2:1 रहेगी। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमेशा एटम की रेशियो या उनके मास की रेशियो फिक्स होती है। नेक्स्ट टाइप आती है मिक्सर। मिक्सर किससे बनेगा? दो या ज्यादा सब्सटेंस अगर फिजिकली कंबाइन करेंगे तो उससे मिक्सर फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने वाटर के अंदर NaCl डाल दिया, NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। इन दोनों के कंबिनेशन से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, इसलिए इसको फिजिकल चेंज या फिजिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये फिजिकल केमिकल में डिफरेंस है, जब दो सबस्टांस केमिकली कंबाइन करेंगे तो कोई नया सबस्टांस फॉर्म होगा, जबकि फिजिकल कॉम्बिनेशन में कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता। तो जब हमने NaCl को वाटर में ऐड के डिजोल्व हो गया तो ये कहलाया मिक्सर। अब हम ऑब्जर्व करें वाटर में NaCl ऐड करने के बाद तो वो सारा हमें एक जैसा अपीयर होगा। तो जो मिक्सर एक जैसा हो उसको कहा जाता है होमोजेनियस। और अगर हम वाटर के अंदर डाल दें ऑयल, तो हमें पता है ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, वो एक सेपरेट पार्ट फॉर्म कर लेगा। तो अब ये सारा यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसमें दो डिफरेंट पार्ट्स बन गए। तो अगर मिक्सर सारा एक जैसा नहीं है तो उसको कहा जाता है हेटरोजेनियस। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की दो प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालें तो वाटर को हीट करेंगे, उसमें क्या होगा, वाटर की वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन अभी वाटर है वो H2O है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, लिक्विड से गैस स्टेट आ गई, कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। तो केमिकली इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ। तो वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करने से कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या है? द प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हीट ऑफ कंबशन,
हमें कार्बन की हीट ऑफ कंबसन निकालनी है, उसके लिए हमें कार्बन को बर्न करना पड़ेगा। अब कार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? CO2। तो ये केमिकल चेंज आ गया, कार्बन की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, इसलिए हीट ऑफ कंबसन क्या कहलाई? केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ रूल्स हैं जिनको यूज करके हम किसी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें रूल्स ब्रीफ बताते हैं क्या क्या हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती है। क्या क्या डिजिट है ये? 1, 2, 9, ये सभी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे अपने से पूछें कि 1, 2, 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कहेंगे 3। जो फिगर विद सर्टेनिटी नोन होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन वो नॉन जीरो के राइट साइड में होनी चाहिए। जैसे हम ये लिख दें, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो सिग्निफिकेंट तभी होगी जब वो नॉन जीरो के राइट में हो या नॉन जीरो के बीच में हो। यहां तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के राइट में है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर अपने पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे हम कह दें 2 बॉल्स, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वहां हम कहेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2.000 एंड सो। ये कुछ रूल्स हमने ब्रीफ में बताए जिनको अप्लाई करके हम सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम। ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम कर देंगे 4। 4 कैसे? 1, 2, 3, 4। अगर अपने पास कोई एडिशन है, पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसके लिए पहले हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया इसको हमने, ऐड करने के बाद अब हमें देखना है कि जो डिफरेंट वैल्यूज थी उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें 3 है, डेसिमल के बाद, यहां डेसिमल के बाद 2 ही है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ, ये भी एक टॉपिक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं? जैसे अपने पास ये की वैल्यू है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, हमने थर्ड को डिलीट करना है। तो जिस डिजिट को हम डिलीट कर रहे हैं वो अगर 5 से कम है तो उसको हम डिलीट कर देंगे और प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वो अगर 5 से ज्यादा है तो उसको रिमूव करने के बाद प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। हमने 6 को रिमूव किया, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दिया। और तीसरी सिचुएशन है कि जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो अगर 5 ही हो, तो उस केस में क्या देखना हमने, प्रीवियस नंबर क्या है। अगर प्रीवियस नंबर ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर दिया। और प्रीवियस डिजिट अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कुछ रूल्स बताए हमने राउंडिंग ऑफ करने के लिए। तो अगर अपने पास कोई सम है या सब्सट्रैक्शन है, उस केस में अगर
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाएं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें और उसके बाद राउंड ऑफ करें। कहां तक? डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखें जितने मिनिमम किसी में भी हैं। इसमें दो थे, दो ही रखने पड़ेंगे, तो हमने इस थर्ड को हटा दिया, तो ये अपने पास है 0.44, तो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे इस तरह से लिख दिया हमने, ये कोई भी वैल्यू है, हमने इसको न तो मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना, हमने एग्जैक्ट नंबर अगर कोई है उसको छोड़ देना। उसके अलावा सभी में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लें, जिसमें सबसे कम फिगर है वो आंसर है। इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें चार हैं, इसमें दो हैं, तो इसका आंसर आएगा टू। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस बताए किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन किए जाते हैं। एक अर्थ होता है साइंटिफिक नोटेशन, हम किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कब कहेंगे, जब उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जरूरत कब पड़ती है इसकी, जब कोई काफी बड़ी वैल्यू हो, जैसे ये अवोगाड्रो नंबर, अगर इसको हम पूरा लिखेंगे तो 0023 जो लिखना काफी डिफिकल्ट, काफी टाइम लगेगा, तो बेटर क्या है हम उसकी पावर लिख दें। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें जो एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1.00 से लेके 9.99, इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। ये स्मॉल एन है, ये कोई भी इंटीजर है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये मेजरमेंट्स में हमें यूज करने हैं रिजल्ट को लिखने के लिए। नेक्स्ट, हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो या तो वो एक्यूरेट है या प्रेसाइज। अब हम कब एक्यूरेट कहें, कब प्रेसाइज कहें, इसके लिए हमने ये तीन पर्सन लिए, कोई भी एबीसी, इन्होंने तीन तीन मेजरमेंट किए और जो ये मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है टू। उन्होंने तीन तीन बार मेजरमेंट किया, ए ने मेजरमेंट किया पहले 1.7 आया, फिर 1.8, फिर 1.9, इनके बीच में आपस में डिफरेंस कम है, हालांकि जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है, लेकिन आपस में जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस कम है, तो उसको कहा जाता है प्रेसाइज मेजरमेंट। बी ने मेजरमेंट किया तो आपस में डिफरेंस ज्यादा है, 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन इन तीनों का जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के बराबर है। तो अगर एवरेज वैल्यू डिफरेंट मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए तो उसे कहा जाता है एक्यूरेट। तो बी का एक्यूरेट मेजरमेंट है। सी का मेजरमेंट क्या है, इन तीनों वैल्यू के अंदर आपस में डिफरेंस कम है और तीनों का एवरेज भी ट्रू वैल्यू के बराबर है, तो सी का मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है। तो ये आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है सब क्वेश्चन में आया होगा। थैंक यू।